अंदोलन पूर्ण तौर पर शांतमई रखना। जोड़ा अंदोलन फिर आके चक्या चुकाया किसी पार्टी का गड़बड़ करूगा, असी पहला वो तो नहीं जावे। मोदी भजया फिर कमेटियां बना गलबात वास्ते, असी कहने लीगल तौर पर सदा पत्र भेजो, असं नहीं आते गलबात कर। खेतीबाड़ी मंत्री रोज बोली गया भी गल कर लो, असं क्या असं नहीं करते, झूठे हो। 18 तुम साढ़े वादा करके मुक रहे हो, 218 अज नरमा रोड है 5700 वह भाव बजे 4500 बिकता, मक्की का भाव 1800 बजू बजे 1100 बिकती है। असी अज उस रिट के उत्ते साडी इत्थे मीटिंग हुई है, विचार चर्चा हुई है, सारिया बारह जथेबंदियां ने सर्वसंमति नाल यह फैसला लिया कि इस जिहड़ी पटीशन जिहड़ी दायर हुई है यह पटीशन वापस करवाई जाए। ये तो एक मतलब राजनीतिक गिनतियां मिलतियां, राजनीतिक गिनतियां मिलतियां, जो उन्होंने हर एक पता लग रहा है ना भी किसानों का रोह के मूहरे वोटा जिन्हों को लैनिया है अज उ नाराज है, तो खास करके बीजेपी तो नाराज है। उन्होंने मैनू लगता कल उन्होंने उन्होंने अहद्या तो इस्तीफे नहीं, उन्होंने तो हो सकता है अपन जथेबंदियों आदि पार्टियां भी छड़ के इन्हों को किनारा करना पड़े अगर उन्होंने दोबारा लोगों के आपका अक्षर ठीक करना। जेड़े बंदे अज किसानों के हक के मित्र की गल करते हैं, चार दिन पहला की कह रहे हैं, वीडियो पा रहे हैं, ये लोग पक्षी है जी, एक लैटर लिया के तोमर तो उन्होंने वायरल कर रहे हैं, वेखो जी आ किसानों के पक्ष या किसानों के पक्ष दिया बड़ी गल्ला लिखिया। इस तो ये उन्होंने राजनीतिक गलतियां मिलती है, साढ़े किसानों के अंदोलन का साथ देने की कोई असं बीजेपी के बंदे तो उम्मीद नहीं रखते, लेकिन फिर भी मैं कहना अगर कोई ईमानदारी भी हो सकता आ रहा हो जथेबंदी ने एक रिट पटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट और वो साडा सारिया जथेबंदियों की जी समझ सी कल का जो सूँ पता लग्या वो सानू ऐ लग्या कि भी असी तो फिर अंदोलन तो भड़कते जा रहे हैं, असी अंदोलन से टेक रख के लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि सानू पता है कि कोर्टा तो सानू इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद है। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। जिवें कि केंद्र की मोदी सरकार वालों काला कानून पास किया गया वो विरोध में किसान जथेबंदियों जिथे कि आए दिन धरना जारी है उत्थे ही साढ़े नाल मौजूद है जगजीत सिंह डल्ले जल्लोवाल जिन्हां डल्लेवाल जिन्हां नाल गल करांगे कि उन्हां दीआं जिहड़ियां समस्यावां किसानां दे की लैके हो तुर रहे हैं। स्वागत है जी, डल्लेवाल साहब सत श्री अकाल जी। की अज मीटिंग जिहड़ी तुहाडी हुई है की इहदे च एजेंडा लिया? देखो जिहड़ी साडी अज मीटिंग है साडा एक अंदोलन पूरे पंजाब दे अंदर मगिया होया, जिहड़े सरकार ने ऑर्डिनेंस लैके अज कानून बन गए है उन्हां कानूनां दे राही सरकार साडे किसानां दा जिहड़ा वजूद है उहनूं खत्म करन ते तुरी होई है और उहदे खिलाफ़ साडी लड़ाई है, वह लड़ाई साडी जारी है और उहदे च असीं लगभग 31 किसान जथेबंदियां पंजाब दीआं इकट्ठे हो चुके हैं और डट के उहदे ते लड़ाई लड़ रहे हैं। रेलां ते साडे किसान बैठे ने और उहदे संबंध च अज इत्थे मीटिंग होई है, जिहड़ा पिछे अज तक जिन्ना होया है उहदी मन लो सर्वे किया है कि कितने घटा रही कितने की होया वो सारे दे विचार चर्चा हुई है। नाल साडी अज दी एक मीटिंग दे विच साडे कोलों छोटी जी एक मिसअंडरसटैंडिंग हो गई सी, साडे जथेबंदी साडा पार्टी है वैसे तो 31 जथेबंदियों का सरदार अजमेर सिंह लखोवाल जी, उन्हां दी जथेबंदी ने एक रिट पटीशन दायर की सी सुप्रीम कोर्ट और वो साडा सारिया जथेबंदियों की जिहड़ी समझ सी कल दा जदों सानूं पता लग्या वो सानू ए लग्या कि भी असी तो फिर अंदोलन तो भड़कते जा रहे हैं, असी अंदोलन से टेक रख के लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि सानू पता है कि कोर्टा तो सानू इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। असी उधरले रस्ते नूं तुर गए ही ना जिथों जाके असी कल नूं मतलब हार के घरे बैठना है, असी आपका अंदोलन का रस्ता अख्तियार किया, वो रस्ता आपका खुला रखने के लिए असी अज उस रिट के उत्ते साडी इत्थे मीटिंग हुई है, विचार चर्चा हुई है, सारिया बारह जथेबंदियां ने सर्वसंमति नाल यह फैसला लिया कि इस जिहड़ी पटीशन जिहड़ी दायर हुई है यह पटीशन वापस करवाई जाए और पटीशन नूं वापस लैण दे लई सरदार अजमेर सिंह लखोवाल जी और उन्हां दे नाल उन्हां दे तीन आगू साहिबान होर आए आ जिहड़े साडे नाल मीटिंग दे विच बाद दे विच उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने उहदे विच बड़ी ठरमे दे नाल ते बड़ा साडे नाल सहमति प्रगटाउंदिआं यह कहा कि असी बिल्कुल ये जिहड़ी साडी रिट हुई है असी इहनूं वापस लवांगे और जिहड़ी असी किसानां दी किसान जथेबंदियां दी राय नहीं लई उन्हें भी उन्होंने महसूस किया भी ये साडे कोलों इत्थे मिसटेक हुई है और जिहड़ा अगे जथेबंदियां ने उन्होंने एक तरह का फरमान जारी करने वाली गल भी की है कि तुसी जिन्ना चिर रिट वापस नहीं आ जाती उन्ने चिर लई तुसी किसी तरह की कोई प्रेस स्टेटमेंट या कोई मीटिंग वगैरह के भाग ना लो, उन्होंने साडे नाल बड़ा प्यार दे नाल इहदे नाल सहमति दी है भी हाँ असी एग्री हैं
कि असी उन्हां चिर लई किसी तरह का अंदोलन जिहड़ा चल रहा है उन्होंने ज स्टेट डिस्ट्रिक्ट लैवल के आगू साहबान जो साडे नाल अंदोलन के शामिल ने बाकी होर सारे वो कर रहे हैं और उन्होंने ज्योंदी तो उन्होंने अंदोलन साडे नाल चल रहा है वो चलता रहेगा लेकिन इस गल के उत्ते साडी अज्ज दी मीटिंग दे विच सहमति हुई फैसला होया। प्रधान जी जिवें कि अज्ज बीजेपी के 11 अहुदेदारां वल्लों इस्तीफे दे के किसानां नूं हमायत करन दी जिहड़ी गल कही है उहदे बारे की देखो मैं फिर बेनती करा ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਅਕਸ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਗੂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁੰਡੋਰਾ ਪਿੜਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਰਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ MP ਬਣੀਓਂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਲੀ ਛੇਤੀ ਪਾਓ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਰਿੱਟ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਰਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤੇ ਆ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅੱਜ 11 ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ 13 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਡ ਨੇ ਉਹ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 7 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਦੀਏ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ
पूर्ण तौर पर शांतमई रखना। जिहड़ा अंदोलन में आके चक्या चकाया किसी पार्टी का गड़बड़ करूगा, असी पहले वो तोड़ी जावे तो अंदोलन के वास्ते असी कंध ते चढ़ गए। हूँ मोदी भज्या फिरदा कमेटियां बनाउंदा गलबात वास्ते, असी कहने लीगल तौर पर सदा पत्र भेजो, असी नहीं आते गलबात करनी। लीगल तौर पर सदा पत्र भेजो तो आ खेतीबाड़ी मंत्री रोज बोली गया भी गल कर लो, असी आख्या असी नहीं करते, झूठे हो। 18 तुसीं साडे नाल वादा करके मुक रहे हो, 2018 भी स्वामीनाथन लागू करांगे, कर्जे माफ करांगे, तो जे MSP जो थले फसल भी सेंटर सरकार पैसे देगी। अज नरमा रुलद 5700 वह भाव बजे 4500 बिकता, मक्की का भाव 1800 बजे 1100 बिकती है। दो फसलों से ही MSP है ना, वह भी खत्म कर जा रहे हैं। प्राइवेट नूं कहता अपनी मंडी बना लो जी, फिर जिहड़ियां इन्नियां मंडियां ने खत्म हो जाणगियां, अर्थ के सैलन वाले खत्म हो जाणगे। अडानी अंबानी इत्थे आजूगा, तुसीं मोगे देखे ही है ना सैलो, 19 होर बन रहे। ये जिहड़ा मोदी कर रहा ना, ये अमरीका का प्रैशर। असीं 1990 तो पहलां दे WTO दे उल्ट संघर्ष करदे आ रहे हैं। अज मैनूं खुशी आ जिहड़े उस वेले साडी मुखालफत करते, अज उन्होंने पता लग गया भी जे अडानी अंबानी आ गया आ गरीब नूं मुफ्त अनाज नहीं मिलना, किसानों नूं बिजली मुफ्त नहीं मिलनी। उन्होंने 3 साल सानूं पता पा देने, मोदी कहना मैं 3 साल आपदे लंघा ला, उदों उन्होंने स्टाक कर लिया करना, जिवें टमाटर कर लेंगे आ, प्याज कर लेंगे आ, सेब कर लेंगे आ, वह स्टाक कर लिया करनगे। कोई बंदी नहीं, केस उन्होंने चल नहीं सकता, कानून बनाता इन्होंने। तो जब स्टाक कर लिया, लोगों को लोड़ पई, वह खाने वाले भी दुगने रेट से तिगने से मिलना, इस करके वह भी साढ़े ना कंज्यूमर भी सारा पंजाब का नहीं हिंदुस्तान का आ रहा। कल बड़ी बड़ी रैली हुई है हिसार, उत्थे कंपल करते हैं चटालिया के पुत नूं भाई छड़ के आ जाने, तेरा भी घरा होगा। इन्हों भारतीय जनता पार्टी के MLA का MP का होर भी जोड़े इन्हों कारकुन ने, इन्हों भी घराओ किए जाएंगे, तो असं अपने संघर्ष न अपन मंगा लैके रहा जी। जेकर थोड़ा सोध नहीं की कानून पास किया, अगों थोड़े दस दे तेन दसना, तैयारी कर लैन, कदे जिन्ना लगती रणनीति अगों नहीं दसता। ये सन अजमेर सिंह लखोवाल जिन्ह ने कहा कि जिहड़ी काला कानून पास किया है कि इहदे च जिथे मजदूर वर्ग उत्थे ही व्यापारी वर्ग ते किसानां जिहड़ी मार पएगी झलनी पवेगी। T5 चैनल तों रजिंदर सिंह भट्ट दी विशेष रिपोर्ट। T5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।